अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सितारा फैशन एस के आर। ऑल व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक और ट्राउज़र डिज़ाइन। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। व्यूअर्स, आपने इस तरह से दो कलर की पट्टियाँ ले लेनी है, जिसकी चौड़ाई आपने लेनी है 1.25 इंच, और एक आपने ट्राउज़र के मैचिंग का कपड़ा लेना है, दूसरा आप कोई भी कंट्रास्ट इसके साथ कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक दूसरे के ऊपर रख देना है और इसके अंदर एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। एक साइड पे पूरी सिलाई लगा लें, इस तरह से देखें सिलाई आनी चाहिए एक पैर की। और उसके बाद व्यूअर्स, दूसरी वाली साइड पे भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे कि आपका बीच का जो गैप है वो 1/2 इंच का आ जाए। बीच वाला गैप 1/2 इंच का आए, इतनी आपने सिलाई लगानी है, क्योंकि हमने ये पट्टी तैयार करनी है 1/2 इंच की, तो इसी हिसाब से इस सिलाई को आपने लगा लेना है। ये देखें व्यूअर्स, इसको लगाने के बाद आपने बड़ी सुई ले लेनी है और यहाँ पे इसको टाँका लगा लें, इस तरह से टाँका लगा लें यहाँ पे, और इसको आपने फंदा डाल लेना है ताकि मज़ीद इसके अंदर कोई गिठाने वगैरह ना आए और इसको पलटने में आसानी हो जाए। आपने सारी सुई इसके अंदर से गुजार लेनी है और फिर इसको आपने पलट लेना है। तो ये काम जो है मैं जल्दी से मैंने कर लिया है, ये देखें, और इसको पलटा लिया है व्यूअर्स। इसके ऊपर आपने इस तरह से प्रेस लगा लेनी है, उसके बाद 3.5-3 इंच के आपने इनके पीसीस बना लेने हैं। तो ये देखें, ये पीसेस मैंने बना लिए हैं और कुछ डोरियां मैंने बनाई हैं मैचिंग की, जो सिंगल कलर के अंदर हैं। साइज़ दोनों का भी वर्स मैंने वही रखा है 3.5 इंच और चौड़ाई भी 1/2 इंच। उसके बाद ये बुकरम मैंने ली है, उसको कपड़े के ऊपर चिपकाया है, 3 इंच चौड़ाई है बुकरम की। ये देखें, बुकरम मैंने कपड़े के ऊपर चिपका लिया मैचिंग के ऊपर और सेंटर में बिल्कुल निशान लगा लिया 1.5 इंच पे। 3 इंच चौड़ी बुकरम है, बिल्कुल सेंटर में निशान लगा लेना है। शुरुआत में आपने 1.5 इंच तकरीबन छोड़ देना है, उसके बाद आप इस तरह से रखेंगे और बिल्कुल सेंटर में पट्टी को रखना है और सिलाई लगानी है, वो भी सेंटर में, ठीक है। उसके बाद आपने इस तरह से दूसरी पट्टी रखनी है और इसके अंदर आप थोड़ा सा गैप दे दें, तकरीबन 3 सूत का गैप दे दें बीच में। इस तरह से एक और पट्टी रख लें, वही डबल कलर वाली। उसके बाद व्यूअर्स, प्लेन पट्टी आपने रखनी है और ये वाली पट्टी इसके साथ मिला के रखनी है। प्लेन वाली दो आपने बिल्कुल मिला के रखनी है और जो 3 लगानी है डबल कलर वाली, उसके अंदर आपने फासला देना है। इस तरीके से आपने सारी जिस लगा लेनी है इसके ऊपर। तो ये देखें, ये सारी पट्टियां मैंने लगा ली हैं, अभी बारी आ जाती है इनकी डिज़ाइनिंग करने की। आपने इसको यहाँ से 1/2 इंच पे सिलाई चलानी है और ऐसे इसको आपने पलटाना है, सामने की तरफ पलटाएंगे तो इसका दूसरा कलर नीचे से निकल के नज़र आएगा, ठीक है। ये वाली तीनों आपने ऐसे करनी है, चौथी भी आपने इस तरह ही सामने की तरफ पलटनी है, ये वाली आपने अपनी तरफ पलट लेनी है। तो इसका थोड़ा सा रुख चेंज करेंगे ताकि जो हम प्लेन पट्टियां लगा रहे हैं वो भी अच्छे से खूबसूरती से नज़र आए। ये वाली साइड कंप्लीट कर लें, उसके बाद दूसरी साइड पे अभी आपने रुख चेंज कर देना है इनका, ठीक है। ये आपकी तरफ आ रही है नीचे वाली, तो आपने ऊपर वाली वापस से सामने की तरफ लगानी है। ये देखें, बिल्कुल इजी है, आप इसको अच्छे से वॉच करें, वीडियो को फुल वॉच करा करें, ताकि सारी जो भी डिज़ाइनिंग है वो आपको अच्छे से समझ आए। तो ये प्रोसेस भी आप इसी तरीके से कर लें पूरी पट्टी के ऊपर, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। ये देखें, ये मैंने कर लिया है व्यूअर्स, और इजाफी जो था साइडों से वो मैंने कट कर दिया है।
कितना खूबसूरत सा इसका लुक लग रहा है पट्टी का। अभी आपने अपना ट्राउज़र ले लेना है, उसके पाइचे ये देखें 4.5 इंच पे निशान लगाया है मैंने पाइचों के ऊपर से। यहाँ से हम इसको कर देंगे कट, ये देखें इस तरह से कट करने के बाद आपने एक पीस ले लेना है क्योंकि ये दो पाइचे हैं। इसको आपने सीधा रखना है, उसके बाद हम इसको रख लेंगे इसके ऊपर उल्टा और 1/2 इंच की आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ठीक है व्यूअर्स, इसका मेजरमेंट आप कर लीजिएगा दोनों साइडों से बराबर करके, फिर आपने 1/2 इंच की सिलाई लगा के इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो ये मैंने जोड़ दिया है। अभी ये वाला जो किनारा है व्यूअर्स, इसके ऊपर आपने किनारे के ऊपर ही सिलाई लगा देनी है ताकि ये मज़बूत भी हो जाए और कपड़ा भी आपका इसके साथ अच्छे से बैठ जाए। ये देखें, ये मैंने इसके साथ ज्वाइंट कर दिया अच्छे से, ऊपर सिलाई भी लगा दी है। अभी हम इसको इसके साथ ज्वाइंट कर लेंगे, इसको सीधा रखेंगे, इसके ऊपर ये पीस हम वापस से उल्टा ही रखेंगे और इसको भी 1/2 इंच के साथ सिलाई लगाकर जोड़ लेंगे। तो ये काम भी व्यूअर्स मैंने कर लिया है, आपने भी ऐसे ही करना है। उसके बाद आपने 1 इंच का गैप छोड़ना है यहाँ से, ठीक है। 1 इंच का गैप छोड़ के आपने इसके अंदर डालने हैं टक, जो बारीक वाली सिलाई होती है पिनटेक्स जिसको कहते हैं, वो आपने इसके अंदर ऐड कर लेना है। आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। वैसे मैं इसके अंदर 3 ऊपर 3 नीचे मैंने डाले हैं, ये देखें 3 ऊपर 3 नीचे। अभी इसके ऊपर आपने प्रेस लगा लेनी है, अच्छे से इसको फोल्ड कर लेना है। तो व्यूअर्स ये देखें, मैंने इसको प्रेस लगाकर अच्छे से यहाँ से इसको कवर कर दिया नीचे वाले कपड़े को भी। तो ये हमारा ट्राउज़र डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहें, और हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा दिल से लाइक कर दीजिए। तो व्यूअर्स ये देखें कितना प्यारा सा डिज़ाइन लग रहा है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा व्यूअर्स और हमको बताइएगा आपसे कैसा बना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।